हमारे साथ इस वक्त कुलदीप सिंह गदराना जी हैं जो डबवाली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए रोड शो करने। कुलदीप जी, क्या कुछ तैयारी है आपकी इलाके में? जबरदस्त तैयारी है जी। आज आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी डबवाली के अपने परिवार को मिलने के लिए आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए देखो आपने हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, अपने आप लोग आ रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं। और अगले दिनों में देखना, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत शख्सियत हैं, फरिश्ता हैं, दिल्ली के लोग फरिश्ता मानते हैं, देश के लोग भी इनको फरिश्ता मानते हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री तानाशाह जी ने इनको 177 दिन जेल में फेंक के रखा और जेल से बाहर आते इन्होंने अपने CM कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। कोई भी नेता कुर्सी नहीं छोड़ता, छोटा सा पंचायत मेंबर होता है गाँव का उसको नहीं छोड़ता। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये बतला दिया कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, दिल्ली की जनता सर्टिफिकेट देगी, मैं इस्तीफा देता हूँ। अगर दिल्ली की जनता ने मेरे को दोबारा चुन लिया तो देशवासियों से समझना मैं ईमानदार हूँ, अगर दिल्ली की जनता ने ना चुना तो मैं बेईमान हूँ। तो आज बहुत शख्सियत आ रही है डबली के हमारे अपने परिवार को मिलने के लिए, बहुत उत्साह है लोगों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आम आदमी पार्टी की 5 गारंटियां तो हैं ही साथ ही, इसके अलावा आपकी क्या गारंटी इलाके के लोगों के लिए, क्या कुछ यहाँ समस्याएं हैं और आपकी प्रायोरिटी क्या है? सबसे बड़ी समस्या आज के दिन जो है, हमारे सैकड़ों बच्चे पिछले सालों में जो एक बीमारी फैला दी इन्होंने, जो रवायती पार्टियाँ थी पुरानी, हमारे नौजवान बच्चों को वो बीमारी है चट्टे का नशा, उस पर लगा दिया। हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की सही सुविधा नहीं है, अनेक समस्या। इन सब बातों पे हम अगले दिनों में काम करने जा रहे हैं। नहीं, आपने इलाके के लोगों के लिए क्या कुछ सोचा है? अगर इलाके की जनता आपको चुनती है तो क्या आप डबवाली की जनता के लिए करेंगे? डबवाली की जनता के लिए वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको, थोड़े दिन पहले मेरा अपना एक रिश्तेदार की डेथ हो गई थी। मैं रात को 11 बजे सिविल हॉस्पिटल गया, वहाँ डेड बॉडी रखने के लिए फ्रीजर नहीं है, 70 साल 75 साल है, आज़ाद हुए देश को, बिल्डिंगें खड़ी करने से लोगों का भला नहीं होता, बिल्डिंगों में डॉक्टर चाहिए, मशीनें चाहिए, हॉस्पिटल में ये सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। स्कूल में बिल्डिंग कमरे बनाने से बात नहीं बनती, कमरों में टीचर होने चाहिए, सुविधा होनी चाहिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, ये सारी बातें हैं, अनेक बातें हैं। किसान के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था करेंगे, ये बहुत काम है। बीजेपी तो बड़े दावे कर रही है, लेकिन इसके बीच हमने ये भी देखा है कि लगातार हरियाणा में जगह जगह जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी ने दावे आपने देखा, 1.5 साल किसान मजदूर अपने हक सच अपने पेट की लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए काले कानून आए थे, 1.5 साल वहाँ पड़ा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, माताओं बहनों पे कैंटर चढ़ा के उनको शहीद करने का काम किया, लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के शहीद करने का काम किया। और बीजेपी का चेहरा तो सबके सामने है, बीजेपी के सामने कोई भी अपनी मांग लेकर गया उसको पिटवाने का काम किया, चाहे सरपंच गया, चाहे मिड डे मील की हमारी बहने गई, कोई भी अपनी मांग लेकर गया उसको पिटवाने का काम किया। पिछले साल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए डबवाली में, जनसंवाद कार्यक्रम था। जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब होता भी आओ लोगों, आपका राजा आ रहा है, प्रजा आओ, प्रजा की कोई समस्या है राजा के सामने रखो। तो मैं भी अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हुए अपने लोगों की समस्या लेकर गया, तो राजा जी 9 साल बाद आए, 9 साल बाद आके राजा जी कहने लगे जहाँ चिट्टे की बहुत भारी समस्या है। राजा जी से हम उस टाइम पूछना चाहते थे कि राजा जी 9 साल बाद आपको पता चला जहाँ चिट्टे की समस्या है, फिर राजा जी कहने लगे एक या दो सुझाव कोई दो, इस चिट्टे को कैसे ख़त्म किया जाएगा। तो मेरे पास मांग पत्र में लिखा था कि जहाँ हमारे सैकड़े बच्चे चिट्टे का नशा लेकर परमात्मा के चरणों में चले गए, उनके घर बर्बाद हो गए, चोरियाँ बढ़ रही हैं, तो राजा जी से मैं जब बात, राजा जी खुद कहने लगे एक या दो सुझाव दो। राजा जी को जब मैं सुझाव देने चाहे तो राजा जी स्टेज से ऑर्डर कर रहे हैं, गांव का आदमी भी ये भाषा नहीं बोल सकता, राजा जी कह रहे हैं ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको उठाओ, इसकी पिटाई करो, बाहर फेंको। तो इसलिए बीजेपी की करनी और कथनी में अंतर है ना, ये किसान की भलाई कर सकती है, ना मजदूर की, ना गरीब की, ना छोटे दुकानदार की, इसलिए जिस साहब इनके चेहरे नंगे हो गए।
एक आखिरी सवाल कि बीजेपी सरकार के खिलाफ हरियाणा में इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी है, नाराजगी है कुछ लोगों में, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के फेवर में ज़्यादा जा रही है। आम आदमी पार्टी को आप किस जगह देख रहे हैं, खासकर इस क्षेत्र की बात करें? आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो मीडिया में भी नहीं आती, चर्चा में भी नहीं आती, सीधी सरकार में आती है। पंजाब में भी ऐसे था तो सीधी सरकार में है ही आम आदमी पार्टी। तो इसलिए आप सब आपके माध्यम से मैं डबल के मेरे अपने परिवार को कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। जैसे पंजाब के लोगों ने बड़े बड़े किले डा दिए, जहाँ भी 5 अक्टूबर को यही करने जा रहे हैं लोग, 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे आप भी यही होंगे तो हम भी यही, उस दिन देखना बड़े बड़े किले डाएंगे। जी बिल्कुल, ये कुलदीप सिंह गदराना जी हैं जिन्होंने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी का शोर नहीं मचता, सीधे सरकार में वो आते हैं और इस बार भी यही होगा, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तब तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा गंभीर सिंह राणा के साथ, न्यूज 24 डबवाली हरियाणा।